दोस्तों, सुबह की हो चुकी है गुड मॉर्निंग और हमारी भी हो चुकी है अच्छी वाली मॉर्निंग। तो गाइस, आई होप यू आप अच्छे होंगे। और हम सुबह अपने गार्डन में आ चुके हैं, हमारी बेटी दूध पी रही है और मैं चाय पी के एकदम रेडी हूँ। अब मुझे सिर्फ करना है, दूध लेकर आना है और कोई काम नहीं है। बाकी शबनम को आज करवा चौथ का व्रत है, तो उसको वो कहती है कि आज मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो मुझे कुछ प्यास व्यास लग जाएगी। तो गाइस, ऐसा है कि इस व्रत में पानी नहीं पीते। पानी रात को जब चांद नज़र आएगा तभी पानी वो दूसरा चांद उन्हें पिलाएगा। तो गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का करवा चौथ वाला ब्लॉग। अब बज चुके सुबह के 8:30 और हम बैठे पीछे की साइड, हमने सारा काम कर लिया और आज है करवा चौथ। मेरी तरफ से सभी माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज सभी माता बहनें व्रत करती है करवा चौथ का अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अब इससे लंबी उम्र होती है नहीं होती ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि आज के दिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, इससे अपने पति की लंबी उम्र बढ़ती है। करवा चौथ के लिए लाइव लेके आया हूँ मैं कोर, ये इसने बनाई है पूजा है। करवा चौथ के लिए लेके आया उतारने के लिए हाँ जो भी है उतारने के लिए या पूजने के लिए, तो कोर मंगाई इसने और कोर लेके आया हूँ मैं गांव से। हमारे भैंस भैंस नहीं है भाई जी। गाइस, हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार और ये आज इसका व्रत है। ज़्यादा ही खुश हो रही है, वो भूख लग रही है, ज़्यादा नहीं है, पता नहीं है, बाकी खुश हो रखी है एकदम। कपड़े पहन पहन के एकदम ड्रेस सब होके और तैयार है एकदम। अब ये अब बच चुके 12:30 तो ये सुनेगी कथा। क्या कथा ही सुनेगी, पूजा करते हैं कहानी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं 12 बजे। और एक ये देखो, ये देखिए, ये नाके, ये भी नाके पापा के साथ तैयार होने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो गाइस, हम लोते हैं होने से तैयार और ये सुनेगी कथा। की हो चुकी है गणेश पूजा और गणेश पूजा इन्होंने करी है। आज दिन में गणेश पूजा करते हैं और रात को क्या पूजते हैं, चौथ माता। तो रात को चौथ माता गणेश पूजा, गणेश जी की कहानी सुनी थी और चौथ माता की कहानी सुनी थी, सब पूजा करी थी। तो गणेश जी और चौथ माता की कहानी ने सुन के पूजा कर चुके हैं ये। अब ये 4:30 बजे, अभी 2:30 बजे के बाद में अब ये क्या करना है, शाम को होगा जा सारा प्रोग्राम, चांद को देखेंगे, चांद को देखेंगे। आज बन रही है स्पेशल, क्योंकि आज इसका स्पेशल दिन है दिव्या की मम्मी का, तो इसने बनाई है स्पेशल। अब देखते हैं स्पेशल कैसे बना दी है या फिर अभी काम चल ही रहा है इनका। तो स्पेशल ये देखो, स्पेशल बन रही है इसकी और आज इसका स्पेशल दिन भी है, तो स्पेशल बनना जाहिर सी बात था, इसकी फेवरेट है स्पेशल। तो गाइस, तैयार हो चुके हैं, रात के बज रही है 7:30 और मेरी बेटी और मैं, हम दोनों कपड़े पहन के एकदम से रेडी हो चुके हैं फन टू एस। और इसकी मम्मी है जो अभी रेडी होने में काफ़ी समय ले रही है और वो हर महिलाएं लेती है। तो फाइनली ये सज के तैयार हो चुकी है करवा चौथ को मनाने के लिए और अपने चांद को देखने के लिए। तो सब लोग को ये दिया है गुलाब का प्यारा सा फूल, जो कि हमारे पीछे आ रखा है हमारे ही पौधों में। तो गुलाब का फूल बड़ा ही शानदार और ऐसे ही गुलाब की तरह आज ये भी चमक रही है, वेरी नाइस, लुक सो ब्यूटीफुल। करवा चौथ पर एक और चांद आया है, ये भी चांद है आज किसी का और ये निकाल रहा है धुन इस पियानो में और बहुत ही बेसुरी धुन निकाल रहा है जो मेरे को भी सुनी नहीं जा रही और ये हो रहा है इसमें खुश एकदम ये बेसुरी धोनस की तो ये भी बनेगा अभी थोड़ी देर में चांद। ये इन्होंने माता जी दीवार पर, यहाँ पर इनका पन्ना नहीं मिला था, पाने कहते हैं उनको, तो पाने नहीं मिला था, इसलिए इन्होंने दीवार पे बना दी। गाइस, करवा चौथ पूजन चालू हो चुका है इनका और ये माता जी आ भी चुकी है, आ गई और इसने तो उतार लिया है और अब दूसरा कपल लग रहा है उतारने में।
और चौथ माता आज आ चुकी है भयंकर रूप से। और ये पूछ पाछ के बैठे हैं आराम से एकदम, और ये बेचारे मशक्कत कर रहे हैं। इससे तो करवा तो प्रसन्न है, और उधर चल रही है बहुत सारा ज्यादा मशक्कत है, कभी दिए को आगे कभी पीछे और कभी घी आ जाएगी। बेटा आगे सर जाओ, एक पैर उतरे दूसरा डाल, दूसरा बेटा तू इधर आ जा, तू फालतू आपको फालतू काम नहीं करने ना। ये देखिए अब आए हैं, अब ये उतारेंगे, ये कुछ जादू करने वाले हैं एकदम से। उसका खिगाड़ी फिर भी नहीं उतर रही। इन्होंने किया है माता के साथ में, ये माता बहुत नाराज है, उतर ही नहीं रही, दिया खिला दिया फिर भी नहीं उतर रही। ये देखिए कितनी मशक्कतें कर रहे हैं लाने के लिए माता को, लेकिन माता जी नहीं आ रही है, माता जी आएगी भी नहीं जब तक यही है। ये देखो पूरी माता जी आई पूरी। हाँ हाँ बेटा आ गई आ गई आ गई आ गई, आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले ले। हाँ मेरे तो आ गई, तेने उतार ली होगी, हमारी तो आ गई। तो गाइस माता जी आ चुकी है, और जो भी आशीर्वाद लेना चाहता है ले सकता है, और हमने तो ले लिया है माता का आशीर्वाद। ऑनलाइन आशीर्वाद आप ले लो माता से, वैसे भी आजकल ऑनलाइन दान पेटियां भी मिलती है, तो बहुत बढ़िया है। देखो ये माता जी तिलक लगा रही है, देखो ये पापा के तिलक लगाया है इसने, क्या बात है। सुनाने वाला हूँ इनको करवा चौथ की कथा। तो एक बार एक धनी सेठ था, उसके सात पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो सातों पुत्रों का शादी हो चुका था और लड़की की भी शादी हो चुकी थी, बड़े प्रेम से रहते थे। तो एक बार उन्होंने क्या है कि करवा चौथ का व्रत किया उसके सातों भाइयों ने और खुद ने, लड़की ने उसकी ने। तो अब भाई उससे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने खाना खा लिया, तो उन्होंने बहन को बुलाया कि आओ खाना खा लो बहन। बहन ने कहा भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज खाना नहीं खा सकती, चांद निकलेगा उसके देखने के बाद ही खाना खाऊंगी। चलो थोड़ा समय गुजरा, और उसके बाद में उनको लगा भाइयों को कि बहन तो बहुत भूखी प्यासी है, तड़प रही है भूख प्यास के मारे, वो कहाँ जाएगी इतनी भूखे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए कि इसको चांद दिखाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, पास में एक पहाड़ था उसके जाके एक दीपक जला दिया, दीपक जला दिया तो और वहाँ रख दिया चांदनी। तो और फिर बहन से कहा देखो बहन चांद आ गया, चांद आ गया। तो बहन भी अपनी भाभियों से बोली कि भाभी सा चांद आ गया, चलो अर्घ दे देते हैं फिर खाना खाते हैं। तो भाभी ने कहा भाई साहब ये आप अभी चांद नहीं निकला है, आप देख लो। तो वो जाके रेडी वहाँ वो जाके फिर वहाँ जाके उसने अर्घ दे दिया उसको, और उसने खाने पर बैठ गई। खाने पर बैठ गई तो पहला निवाला दिया तो 6 आ गई, दूसरा निवाला दिया तो 12 आ गया, और तीसरा निवाला दिया तो ससुराल से क्या आ गया आओ चलो ससुराल। तो वो ससुराल जाने की तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी अब ससुराल तुम्हें जाना ही पड़ेगा इमरजेंसी में। तो वो ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसकी माँ उसे कपड़े तैयार करती है। तो कपड़े सिंदूक से निकालती है तो सभी कपड़े सफ़ेद और काले काले कपड़े निकलते हैं, तो उसकी माँ हैरान हो जाती है। लेकिन वो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी रास्ते में जाते वक्त सबके पैर छूना, और जो तुमसे ये कहे कि सौभाग्यवती रहो या पुत्रवती ऐसे कुछ कहे तो उसके गांठ बांध लेना पड़ेगा। तो वो चल देती है सबके पैर छूती हुई,
शाम तक पहुंच जाती है घर, लेकिन रास्ते में किसी ने भी आशीर्वाद ये नहीं दिया कि तू सौभाग्यवती रहे, अखंड बनी रहे। तभी उसकी ननद ने जाके जब उसके पैर छुए तो ननद ने कहा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। तो वो उसने वहाँ पर पल्ला बांध दिया। अब जैसे ही वो घर में घुसी तो उसने क्या देखा, आश्चर्यचकित रह गई कि वही उसके पति सामने उसकी लाश पड़ी थी और उसको ले जा रहे थे। तो जाके वो बहुत रुदन किया, उसने चिल्लाई रोई कि इसको मत ले जाओ, मैं ले जा रही हूँ, ये क्या हो गया ऐसे। तो फिर अब लोग हुआ कि ये पागल हो गई, तो इसको खा तो चुकी है, इसको ले जाना तो दे, कि नहीं इसको नहीं ले जाना। तो वो ले गए तो उसको साथ में देखते, मैं भी चलूँगी साथ में, साथ में ले गए। अब उसको जलाने की बारी आई, फिर वो कि नहीं इसको नहीं जलाना है, आपको बिल्कुल नहीं जला सकते। तो फिर भैया नहीं जला दिया, तो लोगों ने सोचा क्या इसके लिए हमें झोंपड़ी बना देते हैं और ये रहा करेगी कुछ भी खाए। अब भाई वो झोंपड़ी बना दी, उसमें वो रहती डेली, उसकी ननद जो उसको खाना देने आ जाती थी सुबह शाम, और वो उसकी बिल्कुल जैसे दाढ़ी जैसे दाढ़ी साफ कर देते, निभा दिला डेली व्रत रहने लगी करवा चौथ का। चौथ सारी चौथों का व्रत, चौथों का व्रत रहने लगी। कार्तिक मास की जो कृष्ण चतुर्थी जो आज की है, वो अश्विन की चतुर्थी, उन सबके व्रत रहने लगी। तो अब छोटी छोटी माताएं थी, पहले तो उनके आशीर्वाद वो प्रकट होती है, वो कहती कि भाई हम तेरे से खुश हैं, लेकिन बड़ी माता दुखी है। अब भैया बड़ी माता को मनाना पड़ेगा। तो भैया वो ऐसे ही चौथ के व्रत करती गई। फिर लास्ट में क्या हुआ, जो आज का जो दिन आया था ये वाला चौथ का, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का, इस दिन बड़ी माता आ गई। और बड़ी माता ने उसको पहले तो उसको बढ़िया सुनाया कि तू तो भूखी थी, तू मर रही थी भूख के मारे, तुझे इतना सारा सब्र नहीं हुआ, ये वो है, कि माता मुझसे भयंकर गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। तो ये फिर माता ने कहा कि पूरा श्रृंगार का सामान लाओ, पूरा श्रृंगार का सामान लाए, जवान सब चीज़ रख दी। हाँ तो उस माता ने उसको आशीर्वाद दिया फिर कि उसके पति को जिंदा कर दिया। और जाते वक्त वो झोंपड़ी थी ना, उसमें एक लात मार के चली गई। तो फिर भाई वो झोंपड़ी की जगह क्या हो गया, भैल खड़ा हो गया, भैल खड़ा हो गया। अब भाई उसके बाद सुबह उसकी वो आई शाम को, अरे यार यहाँ तो झोंपड़ी थी, ये क्या हो गया। जब फिर वो क्या आपके भाई जिंदे हो गए, वो देख के आश्चर्यचकित हो गए कि जाओ माँ से कहो ढोल नगाड़े लेकर आओ हमें लाने के लिए। तो माँ गई वहाँ, फिर वो माँ के पास रही ननद। ननद ने कहा कि माँ भाई जिंदे हो गए। अरे बावड़ी हुई कैसे है, एक साल पहले खो दिया मैंने तो मेरा बेटा, कहाँ जिंदे होते हैं, कि वो पागल है तो उसके साथ तू भी पागल हो रही है। कह नहीं माँ मैंने देखा है आपको, से आया फिर ढोल नगाड़े बजा के लेके गए। जब जाके उसको लेकर आए तो जैसे ही करवा चौथ, ये चौथ माता है उस पर फली, ऐसे ही सब महिलाओं पर फली, और ये करवा माता की जय हो। तो गाइज हम चल रहे हैं ऊपर चांद देखने, और चांद हो चुके हैं बुजुर्ग। तो ये आ गया चांद, और ये चांद देखने वाली गाइज चांद पेड़ों में से दिख रहा है अब तो, ये देखिए। ये हमारा चांद चांद को निहारते हुए दिव्या साइड में हो जा। मोटे चांद हनुमान जी बोल रहे हैं तिलक लगाना है।
सदा सुहागन रहो, अखंडवती सौभाग्यवती रहो, सदा हंसती खिलती मुस्कुराती रहो और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। गाइस हम तो 5 साल पुराने कपल है या नए कपल है? ये भी 2-3 साल पुराने है। पानी पिलाना है क्या? हाँ पानी पिलाना। इसको निकलाया हम बहन। प्यार चलो। और बढ़िया सा आशीर्वाद दे दीजिए रे। तो अब चल रहा है खाना और खाने के बाद प्रोग्राम हो जाएगा करवा चौथ का पूरा। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था। थैंक यू सो मच।